हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, नया लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लुक एट द टाइटल ऑफ दिस लेसन एंड द पिक्चर ऑन दिस पेज, व्हाट डू यू थिंक यू विल रीड इन दिस लेसन। फिलहाल वो रहे कि लुक एट द टाइटल, तो टाइटल में देखो क्या लिखा है, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ पर लिखा है देखो द बर्डमैन ऑफ इंडिया, मतलब होता है भारत का पक्षी पुरुष। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू विल रीड इन द लेसन, जैसे ही आप इस लेसन को इसका नाम पढ़ते हैं, मतलब भारत का पक्षी पुरुष, मतलब उसने भारत का ही कोई व्यक्ति होगा जो पक्षी पुरुष कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्यों उसे पक्षी पुरुष कहा जा रहा है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पीपल, पीपल मतलब लोग है ना, ऐसा दिखता है हमको वर्शिपिंग करते हुए, मतलब पूजा करते हुए, वर्शिप मतलब होता है पूजा पाठ का। ठीक है, तो पक्षी का पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, इन मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर है ना। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, ये सब आप लोग देख लेने के बाद है ना, मतलब यह देखने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मतलब ऐसे अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पर हम परख लेने के बाद, देख लेने के बाद में, दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वंडर मतलब आपको आश्चर्य होगा, कि आपको आश्चर्य होता होगा है ना। मस्ट है वंडर्ड हैज टू वाई पीपल वर्शिपिंग नेचर, क्यों जो लोग हैं जो नेचर मतलब प्रकृति की पूजा करते हैं। एंड इजी आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस उत्तर का आसान मतलब इसका आसान उत्तर है टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का आसान उत्तर है, बिकॉज आवर एंसेस्टर डिड इट। एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, क्या होता है एंसेस्टर मतलब पूर्वज, डिड इट क्योंकि वो लोग ऐसा करते थे, हमारे पूर्वज लोग, एज ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले की मतलब बहुत लंबे समय पहले, एगो मतलब पहले की बात जब वो करते हैं तो एगो लगाते हैं, वर्शिपिंग बर्ड्स, पहले के लोग करते होंगे पूजा पक्षियों की, पेड़ों की और जानवरों की। ठीक है, इससे ये बताया जा रहा है कि वे आर वेज, इस तरीके से, वेज मतलब एक रास्ता या तरीका होता है, इस तरीके से डिवाइस्ड बाई अवर एंसेस्टर, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, आदर करते थे। ठीक है, क्या करते थे, डिवाइज्ड बाई अवर एंसेस्टर, मतलब पूर्वज लोग है आदर करते थे, टू रिस्पेक्ट सम्मान करते थे अवर इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब हमारे पर्यावरण का, वो लोग क्या करते थे, इस तरह से सम्मान करते थे। ठीक है, दिस वॉज आल्सो मीन्ट टू प्रिवेंट ह्यूमन ग्रीडीनेस फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ, दिस वॉज आल्सो मीन्ट, इसका मतलब ये भी था कि प्रिवेंट मतलब रोका जाता था, क्या चीज़ रोका जाता था, ह्यूमन ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस मतलब होता है लालचपन है ना, तो जो लालचपन था उनके अंदर, ठीक है, मानव के अंदर ग्रीडीनेस था, फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल वेल्थ, नेचुरल वेल्थ मतलब प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक धन संपदा को वो लोग डिस्ट्रॉइंग करते थे, विनाश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से, इफ़ वी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, और आज हम दुर्भाग्य की बात है कि हम प्रेजेंट में देख रहे हैं सिचुएशन, परिस्थिति को देख रहे हैं, बर्ड्स एंड देयर हैबिटेशन मतलब पक्षी और उनका रहवास है ना, जहाँ पे रहते हैं, हैबिटेशन मतलब होता है रहवास, हैव फेस्ड मच डिस्ट्रक्शन, आज सामना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का, विनाश का। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला जाएगा, व्हाट आर द टू रीजंस गिवन फॉर वर्शिपिंग नेचर, हम दो ऐसे कारण बताइए कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे सोचिएगा, क्योंकि हमारे पास तो दो रीजन इसलिए कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से हम प्रकृति को सुरक्षित भी कर पाएंगे और जीवों पेड़ पौधों आदि को भी संरक्षण दे पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि प्रकृति होगी तभी हम हो पाएंगे, हम रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, देयर आर 9000 स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड देयर साइज वेरियस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू ओवर 2.5 मीटर, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे, देयर आर 9000 स्पीसीज, 9000 मतलब होता है 9000 जातियाँ है ना, अब बर्ड्स पक्षियों की 9000 जातियाँ पाई जाती हैं, देयर साइज वेरियस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, मतलब उसके साइज होते हैं 5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक के होते हैं। द हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ बर्ड एंड द ऑस्टिच, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमिंग बर्ड होता है इज़ वन ऑफ द
स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ये मतलब हमिंग बर्ड होता है कि एकमात्र सबसे छोटा स्पीसीज है, जाति है पक्षियों में। एंड द ऑस्टिस, और जो शुतुरमुर्ग है, ऑस्टिस मतलब होता है शुतुरमुर्ग, वो विच रीच अ हाइट, मतलब इसकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ऑफ ओवर 8 फीट, 8 फीट तक की उसकी ऊंचाई होती है। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द प्लानट, इस पूरी धरती में एकमात्र सबसे बड़ा जीव है पक्षी में, इसका नाम है ऑस्टिस। देयर आर बर्ड्स, यहाँ पर पक्षी हैं, विच आर नोन, जो जाने जाते हैं, नोन मतलब जाना जाना, फॉर देयर स्विफ्टनेस, अपनी तेज गति के लिए, सच एज द ईगल एंड द हॉक, ठीक है, गरुड़ तथा बाज, है ना। देयर आर अदर बर्ड्स, यहाँ पर और भी कुछ पक्षी हैं, नोन फॉर फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब होता है अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ने के लिए वो जाने जाते हैं। देयर आर आल्सो सेवरल बर्ड्स, यहाँ पर और विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट, जो लोग अपने उड़ने की शक्ति खो चुके हैं, पावर ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की शक्ति, सच एज द ऑस्टिस, जैसे ऑस्टिस जो है, ये वाले पक्षी दिख रहे हैं, वो उड़ नहीं पाता, ठीक है। द इमू एंड द कीवी, इमू और एक कीवी, दो और पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते, लोगों ने अपनी उड़ने की शक्ति खो चुके हैं। यहाँ पूछ रहा है, मेक अ टेबल शोइंग स्पेशलिटी ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द पैराग्राफ, ठीक है, तो आपको एक टेबल बनानी बोल रहा है जिसमें आप लोग स्पेशलिटी यहाँ पर दी हुई है पक्षियों को, उसको एक अच्छे तरीके से आप लोग अरेंज करके लिखेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, बर्ड आर कॉल्ड विंग्ड वाइप्ड, है ना, पक्षियों को क्या कहा जाता है, बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्ड वाइप्ड, वाइप्ड मतलब होता है दो पाया, पंख वाले दो पाया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पंख है उसके दो पैर है ना, इसलिए इसको विंग्ड वाइप्ड ऐसा कहा जाता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन मोर, ठीक है, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है पक्षियों का, तापमान होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान, रिमेन मोर और लेस, कम ज़्यादा होते रहता है, या तो कॉन्स्टेंट रहता है या तो स्थिर रहता है। अनदर इंटरेस्टिंग, एक रुचिकर फीचर जो है, मतलब अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, इज देयर फीदर्स, उसके पंख, ठीक है, ऑब्जर्विंग द फीदर्स मतलब पंखों को देखने से ऑफ अ बर्ड्स गिव्स अस एन आइडिया, ठीक है, हम जब पक्षियों के पंखों देखते हैं तो बर्ड्स गिव्स अस एन आइडिया, हमें एक आइडिया मिलता है, विचार मिलता है, ठीक है, अबाउट द लाइफ, अपने जीवन के बारे में, दैट दे लीड, कि हमें इधर क्या रहना चाहिए, लीड करना चाहिए, आगे रहना चाहिए, क्योंकि पंखों से उड़ान होती है ना, तो हम इस सबसे मोटिवेट हो सकते हैं कि पंखों से उड़ान होती है, ऐसा टाइप का बहुत सारे उसके इस पर जुड़े हुए रिलेटेड आपको थॉट सुनने को मिलते होंगे। बर्ड्स हैव बीक्स, पक्षियों के चोंच होते हैं, बीक्स मतलब चोंच, दे हैव नो टीथ, उनके दांत नहीं होते, दे आर मेन फूड, ठीक है, उसके मेन फूड देखो क्या क्या होते हैं, दे आर मेन फूड कॉन्सिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, मतलब उसके मेन फूड जो होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, फूड ग्रैन अनाज एंड फ्लैश मतलब होते हैं मांस, लाइक रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव की तरह रेप्टाइल्स, बर्ड्स टू ले एग्स, तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, किसकी तरह, रेप्टाइल्स की तरह, रेप्टाइल्स मतलब होते हैं रेंगने वाले जीव, उनकी तरह वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। दे हैव कीन सेंस, उनकी सूक्ष्म समझ होती है, एकदम तीव्र है ना, तीव्र समझ होती है, ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखने की और हियरिंग सुनने की, ठीक है ना। बट देयर सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है स्मेल करने की, एंड टेस्ट इज पुअर, और स्वाद को चखने की वो क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली, और पक्षियों के पास एक शानदार कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है एडजस्टिंग मतलब अपने आप को तैयार करने की, मतलब तुरंत व्यवस्थित होने की, देयर विजन अपने देखने की क्षमता को क्विकली बहुत ही तेजी से, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, दे कैन शिफ्ट देयर फोकस, अपना जो फोकस है वो, ठीक है, मतलब देखने का जो एक ध्यान जो है ना, फोकस जो है उसका, उसको शिफ्ट कर सकता है, फ्रॉम डिस्टेंस बहुत दूर से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर के ऑब्जेक्ट को, टू नियर बाई ऑब्जेक्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, कुछ ही सेकंड में,
कुछ ही सेकंड में वो अपनी उसको क्या कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, फाइंड द स्पेशलिटी ऑफ द बर्ड्स गिवन इन द पैराग्राफ। आपको इस जो पैराग्राफ में दिया है उस फैसिलिटी को सॉरी स्पेशलिटी को आपको क्या करना है, फिर से ऑब्जर्व करना है और माइंड करना है, मतलब ध्यान से याद करना है, इसको यही बता रहे हैं। ठीक है, आपको यही करना है इस दिव्य के अनुसार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया, भारत में द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स वॉज एक्सपोज टू अस बाई द ग्रेट सलीम अलीज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि भारत में जो है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स वॉज एक्सपोर्ट है ना, भारत में जो वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स है, कहने का मतलब पक्षियों की दुनिया है ना, वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, वॉज एक्सपोज मतलब प्रदर्शित हुआ टू अस हमारे सामने बाय द ग्रेट सलीम अली, मतलब महान सलीम अली के कंट्रीब्यूशन से, योगदान से। ठीक है, ही इज़ अफेक्शनेटली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, तब से। ठीक है, अफेक्शनेटली मतलब पूरी तरह से या प्यार से उसे नोन जाना जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष। ठीक है, सलीम अली वॉज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1896, उनका जन्म जो हुआ है 12 नवंबर 1896 को हुआ। हिज मटेरियल मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयब जी ब्राउट हिम अप, है ना, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनके जो मैटरनल अंकल हैं कौन, अमीरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसको अंडर लाइन करना, उन्होंने उसे ऊपर उठाया, मतलब ये सामने लाया। ठीक है, हिज अंकल वॉज हंटर, उनके जो अंकल थे, मामा थे, वो क्या थे, शिकारी थे। ठीक है, एंड नेचर लवर, और प्रकृति प्रेमी भी थे। अंडर हिज गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस मतलब था मार्गदर्शन में ही, सलीम लर्नड टू हंट अ, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में उन्होंने शिकार करना सीखा, एंड अप्रिसिएट और प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना द नेचर अराउंड हिम, अपने चारों ओर की जो प्रकृति है उसका प्रशंसा करना, एक तरह से उससे मिलना, तारीफ़ करना। एज अ चाइल्ड, जब भी वो बच्चे थे, सलीम अली सूट अ बर्ड, सलीम अली ने एक पक्षी को सूट किया होगा जब उस समय शिकार करे होंगे, विच हैड अ, एक पक्षी का उन्होंने सूट किया था ना। ठीक है, विच हैड अ येलो स्ट्रीक रनिंग बिलो इट्स नेक, मतलब उसमें एक पीले रंग की धारी थी जो उसके गले तक ऐसा जा रहा था। ठीक है, गले के नीचे तक जा रहा था। इज अंकल कुड नॉट आइडेंटिफाई, मतलब उसके अंकल उस स्पीशीज को नहीं पहचान पाए, उस जाति को, एंड एडवाइज, उन्हें सलाह दी कि वो संपर्क करे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई के ऐतिहासिक जो सोसाइटी है वहाँ पर वो संपर्क करे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BNHS कहा जाता है, ये मुंबई में है। डॉक्टर WS मिलर्ड, द हॉनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द BNHS, आइडेंटिफाई द बर्ड एज अ येलो थ्रोटेड स्पैरो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके जो हॉनरेरी सेक्रेटरी है, सम्मानीय सचिव जो हैं कहाँ के, उसी के BNHS के, जिनका नाम है WS मिलाड, उन्होंने पहचाना उसे द बर्ड एज अ येलो थ्रोटेड, पीली धारी वाला स्पैरो, मतलब गौरैया है करके। ही आल्सो सोप्ड सलीम अली द सोसाइटी स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ स्टफ्ड बर्ड्स, और उन्होंने उन्हें दिखाया भी, मतलब WS मिलाड ने सलीम अली को दिखाया सोसाइटी के शानदार कलेक्शन, संग्रहण को, बहुत सारे पक्षियों का, स्टफ्ड बर्ड का। ठीक है, दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज सलीम अली लाइफ, इस सिंगल एकमात्र इंसिडेंट घटना ने चेंज कर दिया किसको, सलीम अली के जीवन को चेंज कर दिया, एंड इंडिया गॉट द बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ रिजल्ट, और भारत को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। वंस सलीम अली सैड, एक बार सलीम अली कहते हैं, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब मेरा मुख्य जो रुचि है वो किस में है, पक्षियों की स्टडी में है, हैज़ बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल कंडीशन एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर अ माइक्रोस्कोप। उनका कहना ये है कि मेरा जो मुख्य रुचि है वो पक्षियों के अध्ययन में है। ठीक है, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री, मतलब पक्षियों की जीवन का इतिहास जानने का अगर मौका मिले, अंडर नेचुरल कंडीशन मतलब प्राकृतिक परिस्थितियों में, एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखना या प्रकृति में देखना, तो दोनों में मुझे ये लेबोरेटरी वाला पसंद नहीं है, उसे कैसे पसंद है, अंडर नेचुरल कंडीशन, ये बताया जा रहा है।
By traveling to remote uninhabited places, I can study the birds as they live and behave in their natural habitat. उनका कहना ये है कि मैं यात्रा करूँ ऐसे जगह पे अनहैबिटेड, मतलब निर्जन स्थानों पर, मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर ज़्यादा वो कोई व्यक्ति जाता ना हो, है ना। आई कैन स्टडी द बर्ड्स, और वहाँ पर मैं जाके पक्षियों का अध्ययन करूँ, एज दे लिव, जैसा कि वे रहते हैं, एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिट, और वो वैसा भी व्यवहार करते हैं जैसे अपने जगहों पर रहते हैं, क्योंकि हम उसको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अलग व्यवहार करेगा, और अपनी नेचुरल कंडीशन में रहेगा तो अलग ही व्यवहार करेगा, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट सलीम अली, आप क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा सलीम अली के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम हिज सर्विस, इंक्लूडिंग द जे पॉल गिट्टी इंटरनेशनल अवार्ड। यहाँ बताया जा रहा है कि सलीम अली को प्राप्त हो चुका है सम्मान, ऑनर्स मतलब सम्मान, ठीक है, एंड मेडल्स और पदक भी, फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर से, ऑफ फॉर हिज सर्विस, सर्विस मतलब सेवा के लिए, इंक्लूडिंग द, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल, जे पॉल गिट्टी इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, द गोल्डन आर्क ऑफ द इंटरनेशनल, ये मिल चुका है उसे, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, मतलब संरक्षण के लिए, क्या चीज़ के लिए, नेचर के संरक्षण के लिए उन्हें इससे अवार्ड मिल चुका है, द गोल्ड मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी, और इसे स्वर्ण पदक मिल चुका है ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी, है ना, ब्रिटिश मतलब वो दूसरे देश का, इंग्लैंड का, है ना, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी विज्ञान है, वहाँ से उनको मिल चुका है यूनियन से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में बताया गया है वो किसको मिलता है, अ रेयरी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, मतलब ये दुर्लभ है कि किसी नॉन ब्रिटिश पीपल को मिला हो, अगर वो ब्रिटिश के लोग हैं तो उनको भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, और इसे किसने प्राप्त किया, हमारे भारत के पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने, इसलिए वहाँ पर रेयर बताया गया है, रेयरी रेयरिटी मतलब दुर्लभ है वो, फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, जो वहाँ के लोग है भी नहीं, क्योंकि हमारे जो भारत के जो पक्षी पुरुष हैं सलीम अली, वो तो इंडियन है ना, और उनको ये मिलना है ना गोल्ड मेडल को भी ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी से, है ना, तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। एंड पद्मश्री मिला है, एंड पद्मभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से नवाजा जा चुका है। ही इज टाइमली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ बताया जा रहा है कि उनके समय रहते, ठीक है, ही इज टाइमली इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, सेव्ड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, हस्तक्षेप करते हुए मतलब उन्हें समय रहते उन्होंने हस्तक्षेप किया भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए। ही इज फेमस बुक, मतलब उन्होंने हस्तक्षेप करके इन दोनों जगहों को बचाया, ठीक है, तो ये ख़त्म हो रहा था। ही इज फेमस बुक, उनका प्रसिद्ध बुक है द बुक ऑफ फॉर इंडियन बर्ड्स, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इज अ बाइबल, मतलब एक तरह से कुरान है, गीता है, ऐसा कोई धार्मिक पुस्तक की तरह है, इसके लिए फॉर बर्डिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो उभरते हुए, बर्डिंग मतलब होता है शुरुआती दौर के या उभरते हुए जो होते हैं ना पक्षी वैज्ञानिक, उनके लिए एक कुरान गीता के समान है, ऐसा बताया जा रहा है। ही पास्ड अवे, वे गुजर गए 1987 को, उनकी डेट हो गई एट द एज ऑफ 91 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ही इज़ नो मोर, अब वे हमारे बीच नहीं है, बट हीज़ लेगेसी, लेगेसी मतलब परंपरा, लेकिन उनकी परंपरा लिप्स ऑन आज भी जीवित हैं। हिज डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड कमिटेड ग्रुप ऑफ अमेच्योर बर्ड वॉचेस ऑल ओवर इंडिया। यहाँ बताया जा रहा है कि उनका जो समर्पण है पक्षी विज्ञान के लिए हैज़ लेफ्ट, आज भी है, मतलब पीछे छोड़ गया है, बिहाइंड कमिटेड ग्रुप ऑफ अमेच्योर बर्ड्स, ठीक है, मतलब एक समर्पित ग्रुप है, समूह है, अमेच्योर बर्ड वॉचर्स, मतलब जो अमेच्योर लोग हैं जो पक्षियों को देखते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए आज भी वो मिसाल की तरह है, उनका समर्पण, उनका जो पक्षियों के प्रति उनका झुकाव था, लगन था, वो आज भी जो पक्षी को देखने वाले लोग हैं उनके लिए वो क्या है, कुछ ना कुछ छोड़ कर अपने उनके लिए छोड़ कर गए हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, इस तरह से आप लोगों का ये द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष लेसन जो है समाप्त होता है।